लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। कोटद्वार से 7 किलोमीटर दूर मालन नदी पर बना डबल लेन मोटर पुल बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से टूट गया है। पुल टूटने से पहले उफनाई नदी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जमा थे। इसी दौरान पुल के बीच का एक हिस्सा टूट गया। 2 लोग रेलिंग पकड़े हुए थे जिससे वो बच गए, जबकि 3रा युवक उफनती नदी में बह गया। इस दौरान नदी में बहे युवक का शव SDRF की टीम ने पुल से 9 किलोमीटर दूर से बरामद किया। वहीं 2 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी रीना ने कहा कि तहसील धारचूला के ग्राम खोतिला में कुछ दिन पूर्व काली नदी में तेज बहाव के कारण कुछ मकान ध्वस्त हुए हैं। खोतिला क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए नेपाल में लास्कू नाले के समीप काली नदी से मलबा हटाया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस मलबे को प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बड़ा बयान दिया है कि प्रदेश सरकार में दायित्वों की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रदेश सरकार में मंत्री बदलेंगे और विस्तार होगा। इस सवाल पर गौतम ने कहा कि जो जरूरी होगा वो करेंगे। मीडिया कर्मियों से बातचीत में दायित्व आवंटन में हो रही देरी से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परिवारवाद तो है नहीं कि एक परिवार ने आदेश दिया और काम हो गया। हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। अब कभी भी दायित्व की घोषणा हो सकती है और साथ ही बेहद जल्द मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। शुक्रवार 14 जुलाई को अपने जन्मदिन पर डॉक्टर आरती कन्याल ने कनाली छीना ब्लॉक के सिंगाली में स्वास्थ्य शिविर लगाकर क्षेत्रवासियों की निशुल्क सेवा की। इस कार्यक्रम में विभिन्न रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। डॉक्टर आरती के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा सर्दी खांसी जुखाम एवं मौसमी बुखार के मरीज आए। इस मेडिकल कैंप के समापन पर डॉक्टर आरती कन्याल खुश नजर आईं। डॉक्टर आरती कन्याल का कहना है कि जन सरोकार के लिए ऐसे काम लगातार करते रहना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरती कन्याल भागी चौरा और अस्कोट में भी ऐसे कैंपों का आयोजन कर चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 15वें सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य संबंधित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की यह दूसरी ऐसी बैठक है जिसे चिंतन बैठक का स्वरूप दिया गया है। चीन सीमा से सटे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर वायुसेना और प्रदेश सरकार में सहमति बनी है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल RGK कपूर ने इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अलग अलग भेंट की। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को एयरफोर्स के अधीन करने को शीघ्र अनापत्ति देने के उनके अनुरोध पर हामी भरने के साथ सरकार ने कार्यवाही गतिमान होने की जानकारी भी दी। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook पेज K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।